On the occasion of International Women's Day, एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था मनोर हॉस्पिटल की तरफ से. तो एक्शन डोजो ये जो हमारी टीम है, हम लोगों को यहाँ पे इनवाइट किया गया था वुमेंस को सेल्फ डिफेंस के जो है ट्रिक्स और टेक्निक्स बताने के लिए. तो इट वाज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी कि और इट वाज अ ग्रेट थिंग कि मनोर हॉस्पिटल वाले जो है सोसाइटी के लिए इतना बड़ा स्टेप लिए हैं और इतने स्पेशल डे वुमेंस डे के दिन वुमेंस को मोटिवेट करने के लिए इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, इतना बड़ा अरेंजमेंट्स वगैरह किए हैं. इट इज़ रियली ग्रेट थिंग एंड वी शुड थैंक देम. हम लोगों को उनका शुक्र अदा करना ज़रूरी है. तो आज हम लोग यहाँ पे आके काफ़ी सारी बच्चियों को जो है टेक्निक्स बताए हैं जिनमें बहुत सारे बेसिक टेक्निक्स थे. तो सेशन छोटा था, हम लोग चीज़ें तो काफ़ी ज़्यादा बताए सो है, बट बेसिक आप लोगों के मैसेज, आप लोगों के लिए मैसेज मेरा यही रहता कि सेल्फ डिफेंस सीखने के लिए आपको किसी भी क्लास जाके घंटा या ज़िंदगी या महीने ऐसा कुछ भी स्पेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है. आपको जो है ना सेल्फ डिफेंस सीखने के लिए बस एक कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है, अवेयरनेस की ज़रूरत है. ये एक तरह का स्ट्राइक बैक है, मतलब हम लोगों को वेट नहीं करना है. लेकिन अगर हम लोगों को इस बात का अंदाज़ा हो गया कि कोई हम पे हावी होने वाला है तो वी हैव टू रिएक्ट. वो कैसे रिएक्ट करना है बस वो बताए हैं हम लोग. और अगर हम बात करें आप कमज़ोर है या फिर सामने वाला ताकतवर है तो इससे भी डरने की ज़रूरत नहीं है. आपके रेगुलर लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो आप हथियार के वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि पत्थर है, आपका पेन है, फ़ोन है, आपके बाइक की की है. अगर आपके पास ये सब नहीं भी है तो एटलीस्ट आपके नाखून हैं, स्पेशली बच्चों के लिए, जिनका आप इस्तेमाल करके जो है अपने आप को सेल्फ डिफेंस कर सकते. सो आई रियली थैंक मनोर हॉस्पिटल जो इतना सारा ऑर्गेनाइज़ किए हैं. थैंक यू वेरी मच. तमाम गुलबर्गा के लोगों को हैप्पी इंटरनेशनल वीमेंस डे. आज चंद्रशेखर पाटिल स्टेडियम में वीमेंस डे के मौके पर हम एक सेल्फ डिफेंस कैंप अरेंज किए थे एंड काफ़ी फीमेल्स यहाँ पे आके एक सेल्फ डिफेंस कैसे करना चाहिए दो सेशंस के ज़रिए सीखे गए हैं. एंड मोटिव यही है कि लड़की कलबुर्गी में कहीं भी दिन हो या रात फ्रीली अपने आप को फिरना महसूस करें एंड एक मोरल उनका बूस्ट हो कि हम भी किसी से कम नहीं हैं. ये जो नारी शक्ति है, ये नारी शक्ति किसी से कम नहीं है, ये हमको उनके दिमाग में डालना है. एंड जो पहले का ज़माना था कि सिर्फ लड़के ही हर कुछ कर सकते हैं, लड़के ही बाहर का काम करें, लड़कियां घर का काम करें, नहीं, ऐसा नहीं है. कहीं भी ये बताया गया नहीं है कि लड़कियों को अंदर का घर का काम करना है, लड़कों को बाहर का करना है. एक हर काम को डिवाइड करके आदमी और औरत साथ में मिलके करना है. चाहे घर का काम हो तो आदमी को भी हाथ बटाना चाहिए, बाहर का काम हो तो भी औरत कर सकती है. जिस शोबे में जाना चाहती है औरत को जाना चाहिए, चाहे वो IAS हो या IPS हो या मेडिकल फील्ड हो या एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग हो या व्हाटएवर इट इज़. हर एक फील्ड में जो है लड़कियों को अपना भाग देना चाहिए, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट हो या फिर रेलवे डिपार्टमेंट हो, कोई भी फील्ड में लड़कियां अपने आप को जाने के लिए सुरक्षित महसूस करें. एंड बेसिक मोटिव यही है कि जेंडर इक्वालिटी, वुमेन एम्पावरमेंट एंड वुमेन एजुकेशन, इसको हम बढ़ावा दें. मनोर हॉस्पिटल March 8, 2022 को ये जो स्लोगन जारी किए हैं स्ट्रांग वुमेन स्ट्रांग कलबुर्गी, आज थोड़े लोग दिख रहे हैं लेकिन ये स्लोगन से एक कलबुर्गी में एक औरतों में वुमेन्स का एक एजुकेशन एम्पावरमेंट में एक आग लगा देगी. ये जो स्ट्रांग वुमेन स्ट्रांग कलबुर्गी का नारा है, ये नारा इतना स्ट्रांग होगा आने वाले दिनों में कि कलबुर्गी एक नारी सुशिक्षित एंड एक वुमेन एम्पावर्ड सिटी कहलाएगा. तो तमाम कलबुर्गी के वुमेन्स को मैं हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे कहूँगा एंड आने वाले दिनों में आप वुमेन एम्पावरमेंट को ज़्यादा तवज्जो दें, वुमेन एजुकेशन को ज़्यादा तवज्जो दें. थैंक यू.